नमस्कार पिलामाने, आज आम एक नूतन अध्याय बीजगणितिक परिप्रकाश और अभेद संपर्क में किसी आलोचना करिबा। यही विषय में आम मोनोमियल कौन एवं पॉलिनोमियल कौन ताहा विषय में जानिबा। पॉलिनोमियल रो घात किपर निर्णय करा जाए ताहा आम शिखिबा। पॉलिनोमियल रो जोग प्रक्रिया उभय स्तंभ और धाड़ी प्रणाली साहाज्यरे आम देखिबा एवं पॉलिनोमियल रो गुणन प्रक्रिया तथा विभाजन प्रक्रिया विषय में आम किछि जानी। प्रथमे आमे देखिबा मोनोमियल और पॉलिनोमियल कौन, यह विषय में आम पूर्व किसी पढ़ी अच्छे। जदि आम पाखे गोटे अज्ञात राशि किंबा गोटे ध्रुवक जहाँकि एक पदी भाव में थी से ही क्षेत्र में आम मोनोमियल बोली कही था। एठारे 3x8 एक मोनोमियल अटे, -5xyz स्क्वायर एक मोनोमियल अटे एवं 5h मध्य एक मोनोमियल अटे। जेहेतु एगुड़िक एक पदी अटंती तेणुकर यहाँ आम एक पदी पॉलिनोमियल बा मोनोमियल बोली कही था। वर्तमान आम देखा द्विपदी पॉलिनोमियल कौन। द्विपदी पॉलिनोमियल रे जोग किंबा वियोग चिन्ह साहाज्य दुई गोटी अलग अलग पद रही थी। एठारे आम देखिपर 5y गोटे पद एवं 2 गोटे पद, 4b स्क्वायर गोटे पद एवं 6b अन्य एक पद, 5 गोटे पद एवं 6y अन्य एक पद। यह परस्पर सह जोग किंबा बिजोग चिन्ह द्वारा संयुक्त अटंती। एहिपरि पॉलिनोमियल को आम द्विपदी पॉलिनोमियल बोली कही था। ठीक से हीपरि भाव में जो पॉलिनोमियल रे तीन गोटी पद रही थाए ताहाको आम त्रिपदी पॉलिनोमियल बोली कही था। एठारे एक्स, 2y एवं जेड तीनोटी अलग अलग पद अटंती। एक्स स्क्वायर, 5x एवं 7 तीनोटी अलग अलग पद अटंती। 4 स्क्वायर, 2b एवं 6 तीनोटी अलग अलग पद अटंती। तेणु यहीपरि क्षेत्र में पॉलिनोमियल को आम त्रिपदी पॉलिनोमियल बोली कही था। यही उदाहरण साहाज्य रे आम मोनोमियल कौन, पॉलिनोमियल कौन तथा द्विपदी पॉलिनोमियल कौन एवं त्रिपदी पॉलिनोमियल कौन ताहा विषय रे किछि ज्ञान आहरण कले। वर्तमान आम देखिबा पॉलिनोमियल रो घात किपरि निर्णय करा जाय पारिबो। एहा सहित आम पॉलिनोमियल रो साधारण रूप संपर्क रे मध्य किछि जानिबा। प्रथम क्षेत्र में एक पॉलिनोमियल दिया जाय अछि y = ax + b। एही क्षेत्र में a एवं b उभय ध्रुवक राशि अटंती एवं x एहार अज्ञात राशि अटे। तेणु आम x अज्ञात राशि रो घात कौन अछि ताहा देखिबा। एठारे आम जानि पारिबा जे अज्ञात राशि x रो घात अछि 1। तेणु करी एही परिक्षेत्र रे आम कहिबा यह पॉलिनोमियल ax + b रो घात होइजिबो 1। ठीक से हीपरि भाव में आम द्वितीय उदाहरण देखिबा। एठारे आमको दिया जाय अछि y = ax² + bx + c। एठारे a b c प्रत्येक एक ध्रुवक राशि अटंती एवं x एहार अज्ञात राशि अटे। एही क्षेत्र में अज्ञात राशि x रो घात होउछि 2। तेणुकरी आम कहीपर यह पॉलिनोमियल y = ax² + bx + c रो घात हेबो 2। ठीक से हीपरि भाव में तृतीय उदाहरण में आम देखा एठारे ए बी सी एवं डी प्रत्येक एक ध्रुवक राशि अटंती एवं x आमर अज्ञात राशि अटे। यह अज्ञात राशि x रो घात अर्थात सर्वोच्च घात एठारे होउछि 3। तेणु आम कहीपर यह उदाहरण y = ax³ + bx² + cx + d घात हो 3। पाने मन रखा दरकार जेतेबले आम गोटे पॉलिनोमियल रो घात निर्णय करुचु आमको पॉलिनोमियल अज्ञात राशि सर्वोच्च घात टी लिखा पड़ो। तृतीय उदाहरण में आम देखिपर y = ax³ + bx² + cx + d क्षेत्र में अज्ञात राशि x रन गोटी घात रही अच्छे x^2 एवं x^1। यह तीनोटी घात मध्य सर्वोच्च घात x^3। तेणुकोरी पॉलिनोमियल घात हो 3। वर्तमान आम पॉलिनोमियल जोग प्रक्रिया को स्तंभ प्रणाली साहाज्य आलोचना करिबा। एठारे आमको दिया जाय अछि 8y + 4y² - 12 + 5 + 3y³ - 13y को जोग करिवा पई। प्रथमे आमे दुईटी पॉलिनोमियल को बड़ रु सान घात क्रम रे सजाई कि लिखिबा। एठारे देखि पारुथिबो
प्रथम पॉलिनोमियल 8y प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12 को सजाई की लिखा जाय अछि अर्थात प्रथमे 4y स्क्वायर रहिला तापरे 8y रहिला एवं तापरे 12 रहिला ठीक सही परिभाव रे द्वितीय पॉलिनोमियल 5 प्लस 3y क्यूब माइनस 13y को हमें सजाई की लिखिले प्रथमे हमें 3y क्यूब को लिखिले यहाँ परे हमें 13y को लिखिले एवं यहाँ परे हमें 5 को लिखिले वर्तमान हमें प्रत्येक पॉलिनोमियल को घात सहाय्य रे सजाई की लिखिबा अर्थात ध्रुवक राशि 5 को ध्रुवक राशि 12 रो तळे लिखिले 8y एवं माइनस 13y को गोटे स्थान रे लिखिले जेहेतु प्रथम पॉलिनोमियल रे y स्क्वायर रही अछि किंतु द्वितीय पॉलिनोमियल रे y स्क्वायर संबंधी कोनोसी पद रही नाही तेनु सेठारे आमे जागाटी को खाली रखिले एवं द्वितीय पॉलिनोमियल रो 3y क्यूब को आमे एहा पार्श्व रे लिखिले वर्तमान आमे देखि परिबा -12 प्लस 5 रो मूल्य होइ जिवो -7 8y माइनस 13y रो मूल्य होइ जिवो -5y 4y स्क्वायर सह अन्य कोनोसी पद नथिबारु आमे सीधा सळक 4y स्क्वायर को लिखि परिबा एवं 3y क्यूब को आमे सीधा सळक 3y क्यूब बोली लिखिले तेनु स्तंभ प्रणाली माध्यम रे एहि परिभाव रे सरल भाव रे आमे योग प्रक्रिया करि परिबा वर्तमान आमे धाड़ी प्रणाली रे किपर योग करि परिबा ताहा विषय रे आलोचना करिबा आमको प्रश्न रे प्रथम पॉलिनोमियल 8y + 4y स्क्वायर - 12 दिया जाय अछि एवं द्वितीय पॉलिनोमियल 5 + 3y क्यूब - 13y दिया जाय अछि धाड़ी प्रणाली रे जोगटी को करिबा पई आमे प्रथमे पॉलिनोमियल रो पद गुड़ी को एहार घात अनुजाई सजाई देबा प्रथमे आमे देखिले सबुठ बड़ घात हेउछि द्वितीय पॉलिनोमियल रो 3y क्यूब तेनु करि एहा को आमे 3y क्यूब एठारे लिखिले एहा परे बड़ घात टी हेउछि प्रथम पॉलिनोमियल रो 4y स्क्वायर तेनु करि एठारे आमे प्लस 4y स्क्वायर को लिखिले एहा परे आमे देखिले अज्ञात राशि y को नै दुई गोटी पद रही अछि ताहा हला 8y एवं माइनस 13y एहा को आमे एका संगरे रखिले परिशेष रे आमे देखिले ध्रुवक संख्या माइनस 12 एवं प्लस 5 एहा को आमे गोटे स्थान रे रखिले वर्तमान 3y क्यूब 4y स्क्वायर जेमिति थिला सेमिति रहइबो एवं 8y माइनस 13y रो मूल्य होइ जइबो माइनस 5y माइनस 12 प्लस 5 रो मूल्य होइ जइबो माइनस 7 एहा को सरल करबा द्वारा हमको उत्तर मिलिबो 3y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7 एही परिभाव रे आमे योग प्रक्रिया टिकु स्तंभ प्रणाली किंबा धाड़ी प्रणाली सहाय्य रे अति सहज भाव रे करि परिबा वर्तमान आमे पॉलिनोमियल रो गुणन प्रक्रिया संपर्क रे आलोचना करिबा एठारे एक सरल उदाहरण माध्यम रे आमे देखिबा आमे गुणन किपरि करि परिबा एठारे एकपदी पॉलिनोमियल बा मोनोमियल 3x टू द पावर 5 को अन्य एक मोनोमियल 4x स्क्वायर सह गुणन करिबा पई दिया जाय अछि एही गुणन टिकु करिबा पई आमे ध्रुवक राशि को ध्रुवक राशि सह गुणन करिबा अर्थात 3 को 4 द्वारा गुणन करिबा एवं अज्ञात राशि को अज्ञात राशि द्वारा गुणन करिबा अर्थात x टू द पावर 5 को x टू द पावर 2 सह गुणन करिबा 3 को 4 द्वारा गुणन करिबा द्वारा 12 मिलिबो एवं x टू द पावर 5 को x स्क्वायर सह गुणन करिबा द्वारा x टू द पावर 7 मिलिबो तेनु करि उत्तरटे होइ जइबो 12x टू द पावर 7 वर्तमान आमे आउ एक जटिल गुणन संपर्क रे आलोचना करिबा एठारे प्रथम पॉलिनोमियल टि दिया जाय अछि x - 5 एवं द्वितीय पॉलिनोमियल टि दिया जाय अछि x स्क्वायर प्लस 4x - 6 एही गुणन प्रक्रिया टि को किपरि करिबा ताहा एठारे आमे देखिबा प्रथमे आमे प्रथम पॉलिनोमियल x - 5 रो x सह द्वितीय पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 को गुणन करिबा एठारे तुम्हें माने देखि पारुथिबो प्रथम पॉलिनोमियल रो x सहित द्वितीय पॉलिनोमियल टिकु संपूर्ण भाबरे गुणन करा जाय अछि ठीक सेही परिभावरे प्रथम पॉलिनोमियल रो माइनस 5 सहित द्वितीय पॉलिनोमियल टिकु संपूर्ण भाबरे आमे गुणन करिबा एहा को सरल कले आमे देखिबा प्रथमे आमे x को x स्क्वायर सह गुणन करिबा एहा परे आमे x को 4x द्वारा गुणन करिबा एहा परे आमे x को माइनस 6 द्वारा गुणन करिबा ठीक सेही परिभाव रे द्वितीय पॉलिनोमियल क्षेत्र रे माइनस 5 को x स्क्वायर द्वारा गुणन करिबा माइनस 5 को 4x द्वारा गुणन करिबा एवं माइनस 5 को माइनस 6 द्वारा गुणन करिबा एहा को समाधान करिबा द्वारा हमकु मिलिबो x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 30
ଏହା ହିଁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲର ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପଲିନୋମିଆଲର ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଆମକୁ 4x³ - 8x² + 7x + 11 ଏହି ପଲିନୋମିଆଲଟିକୁ 2x + 1 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କିପରି କରିବା ତାହା ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାଜକର 2x ନେବା ଏବଂ ଆମେ ଏପରି ଏକ ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହା ସହ 2x ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ 4x³ ମିଳୁଥିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 2x 2x² ସହ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ 4x³ ମିଳିବ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଭାଗଫଳରେ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଲେଖିବା 2x² ପ୍ରଥମ ପଦ 2x² ଟି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏହି 2x² କୁ ଆମେ ଭାଜକ 2x+1 ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁଣନ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। 2x² କୁ ଭାଜକ 2x+1 ସହ ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଲେ 4x³ + 2x² ଏହାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 4x³ + 2x² କୁ ଆମେ ଭାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ 4x³ - 8x² + 7x - 11 ରୁ ବିଯୋଗ କରିବା। ଏଠାରେ ଭାଜ୍ୟରୁ 4x³ + 2x² କୁ ମାଇନସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିବ -10x² + 7x। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏପରି ଏକ ପଦ ନେବା ଯାହାକୁ 2x ସହ ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ -10x² ମିଳୁଥିବ। ସେହି ପଦଟି ହୋଇଯିବ -5x। ଆମେ ଯଦି -5x କୁ 2x ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ -10x² ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ -5x କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 2x+1 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା। ଏହି ଗୁଣନଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିବ -10x² - 5x। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି -10x² - 5x କୁ ଆମେ ଏହାର ଉପର ପଦରୁ ବିଯୋଗ କରିବା। ବିଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିବ 12x - 11। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ପଦ ନେବା ଯାହାକୁ 2x ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଆମକୁ 12x ମିଳୁଥିବ ଏବଂ ସେହି ପଦଟି ହୋଇଯିବ 6। ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 6 ଆମେ ଯଦି 2x ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ 12x ମିଳିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 6 ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 2x+1 ସହ ଗୁଣନ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 2x+1 ସହ ଗୁଣନ କଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ 12x+6। 12x+6 12x - 11 ରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇବା ଭାଗଶେଷ ରହିଯିବ -17। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲର ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମାପନ କରିଥାଉ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ମୋନୋମିଆଲ କ'ଣ ଏବଂ ପଲିନୋମିଆଲ କ'ଣ ତାହା ପଢ଼ିଲେ, ପଲିନୋମିଆଲର ଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଉଭୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି କରିପାରିବା ତାହା ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲର ଗୁଣନ ତଥା ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି କରିପାରିବା ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।